Okay guys, welcome to part 2 of this video series. So last video के end में मैंने बताया था कि सेशन ने 2 अगस्त का ऑर्डर निकाल दिया था और जिससे ऑल अनाउंस्ड इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दिया गया था. गेंद सरकार के पाले में थी और मैच सुप्रीम कोर्ट की पिच पर खेला जाना था. गवर्नमेंट ने एक्चुअली जो रिक्वायर्ड पैरामिलिट्री फोर्स थी जो सेशन ने मांगी थी वो दे दी थी. जितनी चाहिए थी वो मिल चुकी थी, पर सेशन को इस बात से गुस्सा था कि उनके कहने पर फोर्स नहीं दी और जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने आपस में ही डिस्कशन करके सारी अरेंजमेंट कर ली. सेशन ने कहा कि दिस मिसकंडक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन डन इन क्लोज कॉनिवेंस ऑफ तमिलनाडु गवर्नमेंट. ये जो कृत्य केंद्र सरकार ने किया है ये तमिलनाडु सरकार की मिली भगत से किया गया है. मामला सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड होता इससे पहले सेशन ने बैक ट्रैक कर लिया. उन्होंने इलेक्शंस करवाने का फैसला किया और इस बैक ट्रैक को बहुत ही टेक्टिकल माना जाता है क्योंकि इससे तीन चीज़ें हुई. गवर्नमेंट बुरी तरह बैकफुट पर आ गई थी क्योंकि सेशन ने साफ कर दिया था कि जो भी ये डेडलॉक हुआ वो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया था और केंद्र सरकार ने इसको ख़त्म करने के लिए कोई भी उपयोगी कदम नहीं उठाए. दूसरा ये था कि इलेक्शन कमीशन की जो या इलेक्शन कमीशन या सेशन की जो जेन्युइन डिमांड्स थी वो अब सबके सामने आ गई और इन सारी डिमांड्स पे सबका सपोर्ट भी बढ़ गया. थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बेनिफिट हुआ, सेशन नायक के अनिल कपूर बन गए थे. सेशन मिडिल क्लास के हीरो बन गए थे और लोगों को ये लगा कि कोई सेशन नाम का आदमी है जो कि पॉलिटिशियंस की ईंट से ईंट बजा रहा है. सेशन की पॉपुलैरिटी इस पॉइंट से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. पर इस सारे एपिसोड में ये हुआ कि जो एक वेस्ट बंगाल में राज्यसभा सीट पर इलेक्शन होना था वो टाइम से नहीं हो पाया और प्रणब मुखर्जी को अपनी सीट से अपनी मेंबरशिप से इस्तीफा देना पड़ा. शरद पवार ने तो कोर्ट चैलेंज भी कर दिया गया था क्योंकि उनका पुणे से जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन था जिसमें वो खड़े होने थे वो खतरे में आ गया था. ऑल दो फाइनली वो हो गया. पर इस सब का जवाब सरकार ने दिया, बखूबी दिया. 1 अक्टूबर को सेशन पुणे गए हुए थे और सरकार ने ऑर्डिनेंस पास करते हुए इलेक्शन कमीशन को मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया. 2 इलेक्शन कमिश्नर्स और अपॉइंट कर दिए गए और वो शख्स थे MS गिल जो कि उस टाइम पे 1 अक्टूबर को मध्य प्रदेश गए हुए थे, फौरन उनको वापस बुलाया गया, और दूसरे व्यक्ति थे GVG कृष्णमूर्ति. MS गिल तो सेशन की तरह ही IAS ऑफिसर थे पर GVG कृष्णमूर्ति का बैकग्राउंड अलग था, वो IAS ऑफिसर नहीं थे. क्या थे जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताएं. सेशन की पावर्स को कम करने का ये जो अटेम्प्ट था सरकार का उसमें ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहे. सेशन ने ऑब्वियसली इसका विरोध किया, वो सुप्रीम कोर्ट गए, इंटरिम फैसला आया, पर फाइनल ऑर्डर जो 1995 में आया था सेशन के विंग्स को कट कर दिया गया था, उनके पर कुतर दिए गए थे. जहाँ तक हो सके अब फैसले कंसेंसस बेस्ड होने चाहिए थे और अगर कंसेंसस नहीं बन पाती तो मेजॉरिटी से इलेक्शन कमीशन डिसीजन लेगा. इस सब का मतलब ये था कि सेशन के फैसले को दोनों इलेक्शन कमिश्नर्स मिलके ओवररूल कर सकते थे. MS गिल बताते हैं कि कृष्णमूर्ति के आने के बाद सेशन ने तांडव दिखाना शुरू कर दिया. सेशन तो इतना गर्म हो गया क्योंकि उसको टेंपर बहुत के भई ये मेरे से क्या हो गया, नरसिम्हा राव के खिलाफ ये वो, और स्टे ऑर्डर वो ले नहीं सका, अगर तो यहाँ होता तो कुछ करता या ना करता. वो तो बिल्कुल ही गुस्से में, वो जो शिवजी का तांडव है ना, तो वो नाचने लगा कई किस्मों से और वो छोटी छोटी बात पे लड़ता था, इनको कमरा मत दियो, कमरा इधर दियो, उधर मत दियो. कृष्णमूर्ति को तो कमरा तक नहीं दिया गया, उनके पास फाइल्स तक भी नहीं पहुंचाई जाती थी. वो इसकी शिकायत लेकर प्रेसिडेंट तक पहुंच गए कि हमारे साथ ऐसा ऐसा बिहेव हो रहा है. बड़ी हद तो जब हो गई जब सेशन एक बार अमेरिका गए टूर पे और वो अपना चार्ज दे के गए डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर बग्गा को. 2 सीनियर इलेक्शन कमिश्नर्स के होते हुए एक जूनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर को चार्ज मिला. मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में, वर्डिक्ट आया, चार्ज मिला MS गिल को. सेशन ने पॉलिटिशियंस के ऊपर एक बॉम्ब दिसंबर 1993 में छोड़ा. वो बॉम्ब था राज्यसभा की स्टेट रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट का. उन्होंने अराउंड 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की लिस्ट, जिसमें से 7 तो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, स्टेट्स में भेजी चेक करवाने के लिए कि ये वहाँ के रेजिडेंट हैं भी या नहीं. इस लिस्ट में काफ़ी बड़े बड़े नाम शामिल थे जैसे कि गुलाम नबी आज़ाद, बलराम जाखर, पर सबसे बड़ा नाम था उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह का, जो कि
असम से राज्यसभा के एमपी बने हुए थे। सब पर डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटकने लगी, कुछ मामले तो कोर्ट में भी गए, ऑल्दो फाइनली कुछ भी नहीं हो पाया। क्या थी ये स्टेट रेजिडेंसी की रिक्वायरमेंट और सेशन क्यों चाहते थे कि एक स्टेट का पॉलिटिशियन किसी दूसरे स्टेट से राज्यसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए? आरपी एक्ट क्या कहता है? ये सब कुछ इंटरेस्टिंग है। आई एम लिविंग इट फॉर यू ऑल टू फाइंड इट आउट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू 1994, अनदर वेरी इवेंटफुल ईयर। जनवरी में ही सेशन ने इंस्ट्रक्शन दे दी स्टेट गवर्नमेंट्स को टू टेक एक्शन अगेंस्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी और पर्सन डिफेसिंग वॉल्स। कोई ग्रेफिटी लगा रहा है, कोई फालतू में पोस्टर्स लगा रहा है। पार्टीज या कैंडिडेट्स इलेक्शंस के बाद पोस्टर्स को रिमूव करेंगे और इन दीवारों को वाइट वॉश भी करेंगे। मैं सारे एपिसोड की डिटेल में जा रहा हूँ कि क्या सिनेरियो था, क्या चेंज आया, अदरवाइज ऑब्वियसली वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ आपको कुछ एग्जांपल से बताऊंगा। यूपी की विधानसभा में डिमांड हुई कि हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं, इस जो सेशन का एडिट एक्ट था, इंस्ट्रक्शंस थी, तो स्पीकर ने अलाउ नहीं किया, तो लोग वेल में पहुंच गए, कुर्सियां फेंकने लगे। खबर तो यहां तक छपी कि नरसिम्हा राव डजंट रियली नो हाउ टू डील विद टीएन सेशन। सेशन ने बिल्कुल नए तरीके से एमसीसी को इंप्लीमेंट किया। कहा जाता है कि सेशन ने एमसीसी को इन्वेंट नहीं किया, पर ट्रू एमसीसी को डिस्कवर जरूर किया। उनकी जब आलोचना होती थी कि भाई वो बुल इन अ चाइना शॉप है, सब कुछ तहस नहस कर रहे हैं, तो उनको उनका एक सीधा जवाब होता था कि भैया शो मी वन इंस्टेंस वेयर आई हैव डन एनीथिंग दैट इज नॉट स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट द पावर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड आई विल क्विट। एक भी ऐसा वाक्य बता दीजिए जब मैंने ऐसा कुछ किया हो जो कि संविधान में वर्णित चुनाव आयोग की शक्तियों के विपरीत हो, तो मैं चुपचाप इस्तीफा दे दूंगा। मार्च में आंध्र प्रदेश के सीएम विजय भास्कर रेड्डी को कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट का टूर कैंसिल करना पड़ गया क्योंकि सेशन ने उनको बोल दिया कि एमसीसी लागू हो चुकी है और आप ऐसा करेंगे तो ये एमसीसी का उल्लंघन है। रेड्डी ने अपना टूर कैंसिल तो किया ही, साथ ही केंद्र को शिकायत भी करी कि भैया सेशन कुछ अपनी हदों से ज़्यादा ही आगे जाते जा रहे हैं। शिकायत हुई सेशन की ओवर जीलस एक्टिविटी की। उस साल चार इंपॉर्टेंट स्टेट्स के चुनाव थे, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गोवा, सिक्किम, सभी स्टेट्स में इंक्लूडिंग गोवा सेशन ने चुनाव से 6 दिन पहले ड्राई डेज रखवा दिए। लोग बताते हैं कि पीएम नरसिम्हा राव रैली में गए तो पार्टी कांग्रेस आई के लिए वो वोट मांगे और जो लोकल कैंडिडेट्स को उन्होंने इंट्रोड्यूस तक नहीं किया क्योंकि उनको पता था कि अगर वो ऐसा करेंगे तो सेशन इनका जो खर्चा है वो कैंडिडेट्स के खाते में जोड़ देंगे। कर्नाटका के जो फॉर्मर सीएम थे एस बेंगरप्पा कैंपेनिंग पे लेट पहुंचे और बस 5 मिनट में ही उनको अपना भाषण जो था वो ख़त्म करना पड़ा क्योंकि कैंपेनिंग की टाइम लिमिट रात 10 बजे तक थी। हैदराबाद में तो एक मिनिस्टर को मीटिंग तक छोड़नी पड़ गई क्योंकि उस मीटिंग के लिए जो यूज़ हो रहे थे पब्लिक एड्रेस सिस्टम, उनकी परमिशन नहीं ली गई थी। पर सबसे बड़ा बवाल तो तब मच गया जब सेशन ने पीएम नरसिम्हा राव को ही सलाह दे डाली कि वो जो 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, फूड मिनिस्टर एंड वेलफेयर मिनिस्टर, उनको डिसमिस कर दें। वजह थी कि उन्होंने पॉल प्रॉमिस करके एमसीसी का वॉयलेशन किया है। इससे तो कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई कि भैया सेशन पीएम को ये सजेशन कैसे दे सकते हैं इवन इफ एमसीसी का वॉयलेशन हुआ भी है। तो इन इलेक्शंस के लिए सालों पुरानी जो एक्सपेंडिचर लिमिट थी लॉ के द्वारा उसको बदला गया और वजह यही थी कि सेशन इसको इतना स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करवा रहे थे कि कैंडिडेट्स अपनी मर्जी से कैंपेनिंग नहीं कर पा रहे थे। सेशन से जब ये शिकायत होती थी कि भैया ये तो बहुत कम लिमिट है, इससे में तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी कैंपेनिंग नहीं कर पाएंगे, वोटर्स तक कैसे पहुंचेंगे, कैसे उन तक अपनी बात पहुंचाएंगे, तो सेशन सिर्फ ये कहते थे कि जो लॉ में है मैं उसको इम्प्लीमेंट करूंगा, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट देन चेंज द लॉ। एक टॉप पुलिस ऑफिशियल ने कहा कि ये इलेक्शंस का समय बिल्कुल इमरजेंसी जैसा था। एवरीथिंग वेंट ऑफ फाइन बिकॉज कैंडिडेट्स वर मॉर्टली स्केयर्ड। किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कानून तोड़ने की। जुलाई के अराउंड तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर GOM की मीटिंग हुई और बताया जाता है कि राव पीएम नरसिम्हा राव एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना चाहते थे जिससे एमसीसी को लीगल बैकिंग मिल जाए, एमसीसी को एक लीगल स्टैट्यूट का दर्जा मिल जाए। अब जो एमसीसी को लीगल बैकिंग देने का मुद्दा था ये कुछ नया नहीं था, 1990 में ऑलरेडी दिनेश गोस्वामी कमेटी बनी थी, उनका जो रिकमेंडेशन था इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए उसमें ऑलरेडी ये था कि एमसीसी को लीगल बैकिंग मिले तभी इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो पाएगा। पर जो यहाँ पे इस टाइम पे गवर्नमेंट चाहती थी
वो इस चीज से बहुत अलग था। गवर्नमेंट की मंशा ये थी कि एमसीसी को लीगल स्टैट्यूट बना दिया गया तो इसके सारे मामले कोर्ट में जाके डिसाइड होंगे और एमसीसी सेशन के अंडर से निकल जाएगा, सेशन के चंगुल से निकल जाएगा। सेशन ने ऑब्वियसली इसका पुरजोर विरोध किया और तब तक उनकी ख्याति भी इतनी बढ़ चुकी थी, इतनी ज़्यादा हो चुकी थी, सरकार को ये आइडिया ड्रॉप करना पड़ा। सेशन का एमसीसी का जाल ही कुछ ऐसा था कि यूपी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कल्पनाथ राय नवंबर 1994 में अपने नेफ्यू के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे। उनका एड्रेस डीएम ने बीच में ही रुकवा दिया क्योंकि कैंपेनिंग की टाइम लिमिट खत्म हो गई थी और उनको ये बोला गया कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो इलेक्शंस को काउंटरमेंड भी किया जा सकता है। यूपी के उस टाइम के गवर्नर मोतीलाल वोरा को उन पे इंक्वायरी हुई थी, वो अपने बेटे के लिए दुर्ग जो कि अब छत्तीसगढ़ में है वहाँ पे कैंपेनिंग करने गए हुए थे। दिसंबर में तो सेशन ने सभी पार्टीज के मैनिफेस्टोस भी ईसीआई में मंगवा लिए थे वेटिंग के लिए। इसका काफ़ी विरोध हुआ और इसके बाद फिर विरोध के बाद सेशन ने कुछ इस पर डायरेक्ट एक्शन नहीं लिया। अब इन सबसे पहले सेशन ऑलरेडी सरकार को 18 महीने का टाइम अल्टीमेटम दे चुके थे वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए और कह दिया था कि अगर वोटर आईडी कार्ड नहीं बने तो 1 जनवरी 1995 1 जनवरी 1995 के बाद कोई भी इलेक्शंस नहीं होंगे। सरकार ने मना कर दिया कि भैया ये तो फिजूल का खर्चा है, बेफालतू का आइडिया है, पर सेशन कहाँ मानने वाले थे, बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं थे। The order was issued on the 28th August 1993, providing not 6 weeks, but 16 months. 16 months, if you sleep for 14 months and then come and tell me I have only 6 weeks. I ask you, don't sleep so long or sleep so deep. Wake up in time. मामला गया, अब आपने इतनी सारी वीडियो देख ली है तो आपको पता होगा कि कहां गया होगा मामला। मामला ऑब्वियसली गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया वोटिंग तो सबका राइट है और ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन भी नहीं है कि वही वोट डाल सकेगा जिसके पास वोटर आईडी होगा। फिर भी सब ने माना कि भैया सेशन की बात में दम तो है, सरकार पर प्रेशर पड़ा और उनको ये स्टेप उठाना ही पड़ा चाहे उन्होंने इसका जितना भी विरोध किया हो। प्रणब मुखर्जी के रिज़ाइन वाले इशू पर और फिर ये वोटर आईडी वाले इशू पर वेस्ट बंगाल के सीएम ज्योति बसु तो इतना दुखी हो गए थे सेशन से कि उन्होंने सेशन को मैड डॉग पागल कुत्ता तक कह डाला। और इस वोटर आईडी का शुरू में जनता की तरफ से भी बहुत ऑब्जेक्शन हुआ। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि आधार कार्ड बनवाने में जैसे सीन्स थे, जैसी भीड़ थी, जैसा माहौल था, कुछ वैसा ही उस टाइम वोटर आईडी कार्ड बनवाने में था। इश्यूज तो ये भी रेज हुए कि कोई महिला है वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती तो उसकी फ़ोटो ज़बरदस्ती क्यों ली जा रही है, पोलिंग स्टेशन पे उसको किसी अनजान मर्द को अपना चेहरा दिखाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके छोटे मोटे काफ़ी इश्यूज या विरोध जनता की तरफ से भी आए। सेशन इन सारे मुद्दों पे इतना स्ट्रांगली प्ले इसलिए करते थे क्योंकि उनको एक टेक्निकल पॉइंट अच्छे से पता था। अंडर लॉ इलेक्शंस गेट किक्ड ऑफ बाय नोटिफिकेशन विच द इलेक्शन कमीशन रिक्वेस्ट द प्रेसिडेंट फॉर पार्लियामेंट इलेक्शंस एंड गवर्नर फॉर द असेंबली इलेक्शंस टू इशू। इलेक्शन कमीशन एक नोटिफिकेशन देगा और वो प्रेसिडेंट और गवर्नर से रिक्वेस्ट करेगा कि इसको इशू किया जाए, तो अगर ये नोटिफिकेशन ही नहीं होएगा तो वो इशू ही नहीं हो पाएगा और वो इलेक्शंस ही नहीं हो पाएंगे। तो ये नोटिफिकेशन बनाने का पावर इलेक्शन कमीशन के पास है और नोटिफिकेशन इशू करने का जिससे इलेक्शंस होंगे वो पावर प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास है। तो सेशन अगर अपने वाला पार्ट ही नहीं करें तो बाकी वाला पार्ट वो ही नहीं पाएगा और ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रेसिडेंट या गवर्नर फोर्स कर पाए इलेक्शन कमीशन को ये नोटिफिकेशन निकालने के लिए या उनको बोले कि आप हमसे रिक्वेस्ट करो ये नोटिफिकेशन इशू करने के लिए। सेशन की सक्सेस का ये भी रीज़न था कि किसी भी जेन्युइन मुद्दे पे उनको कोर्ट का भी सपोर्ट मिल जाता क्योंकि सबको पता था, कोर्ट को भी पता था, सबको पता था कि इलेक्शंस में रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही वो अपनी स्पीच, अपने इंटरव्यूज, अपने मीटिंग से जो उनके व्यूज़ थे उनको जनता तक पहुँचाते थे। इन सबसे क्या होता था कि सरकार पे या तो कभी कोर्ट का या फिर कभी पब्लिक या फिर मीडिया का इतना प्रेशर पड़ता था कि उनको डिमांड्स ये सारी माननी ही पड़ती थी और सरकार हमेशा बैकफुट पर ही रहती थी। अब गाइज हम बात करेंगे 1995 की दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट्स में इलेक्शंस, महाराष्ट्र और बिहार में, बताएंगे कि क्यों भिड़ंत हुई शरद पवार और लालू प्रसाद यादव से सेशन की। पर ये सब कुछ जानेंगे इस सीरीज की लास्ट वीडियो पार्ट 3 में। तब तक के लिए गुड बाय।